आज हमारे साथ हैं शिवांगी पाठक। शिवांगी पहली नॉर्थ इंडिया की यंगेस्ट लड़की हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। आज से ठीक एक साल पहले मैंने इसके बारे में शुरू किया था, सोचना शुरू किया था, और अब ये मिशन 16 मई को मेरा ख़त्म हो गया था। तो इस बीच का जो सफ़र था वो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चुनौती भरा, सब कुछ मैंने इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है तो इसके लिए कितनी तैयारियां आपने की, कितने साल से इसकी तैयारियों में लगे हुए थे आप? सिर्फ एक साल से मैंने इस सब चीज़ों की तैयारी करी, अपने आप को फिट करा, हेल्दी रखा, एनर्जी लाई, अपने आप को मोटिवेट किया। अपने वजन भी काफ़ी लूज किया। हाँ जी, मैंने अपना 15 से 17 किलो वजन लूज किया है। बिल्कुल, सिर्फ क्लाइंबिंग के लिए। एंड उसके साथ साथ मैंने अपने बाल, जो मेरे बहुत लंबे बाल थे, उनको भी बिल्कुल कट करवा दिया। कर दिया आपने? बिल्कुल, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था उस चीज का। इसके लिए कितनी लंबी ट्रेनिंग का दौर चला, कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली, इसका थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। इसके लिए सबसे पहले मैं कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी ऋषिकेश से। वहाँ मैंने बंजी जंपिंग करी 83 मीटर की हाइट से, और वहाँ एक्चुअली मुझे लेकर गए थे कि देखने के लिए कि आप ये लड़की डरती भी है या नहीं। तो जब उस जंप से, उस हाइट से मैंने जंप किया, तब मेरे घर वालों ने मुझे डिक्लेयर कर दिया ये फियरलेस गर्ल है। उसके बाद से मेरी इस जर्नी को शुरुआत कर दिया गया, वरना इससे पहले इसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। जैसे ही मैंने वो सब किया, उसके बाद 1 अप्रैल को मैं कश्मीर गई, जम्मू कश्मीर, बेसिक एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स करने, माउंटेनियरिंग कोर्स, जोहार इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। वहाँ पर जाकर मुझे पता लगा कि एवरेस्ट को कैसे, कब, किस तरह फतह किया जाता है। तब मैंने ठान लिया कि मैं एवरेस्ट को फतह करके रहूँगी। मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला था, एवरेस्ट के बारे में पता चला था, लेकिन उसके बारे में मैंने सोचा सिर्फ अप्रैल के अंदर जाके था, जब मैं उस कोर्स करने गई थी। वहाँ से मुझे अल्फा ग्रेड मिला और मेरे अंदर और साहस भर गया, और मैंने ठान लिया कि जो नेक्स्ट कोर्स है उसको कंप्लीट करके मैं इसके बारे में और नॉलेज लूँगी। देन मैंने उसका एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, उसके बाद मैंने एक स्ट्रोक कांगड़ी पीक सबमिट करी, एंड उसके बाद मैं एवरेस्ट के लिए तैयार हो गई। क्योंकि काफ़ी बड़ा ये जो एक मुकाम था हासिल किया आपने, तो बीच में कुछ पार्ट्स ऐसे भी आए होंगे जब मन किया होगा नहीं ये तो बड़ा टफ है वापस जाए। हाँ, ऐसा मन करता था, लेकिन जो घर और फैमिली की सपोर्ट होती है वो ऐसा करने से हर बार रोक देती थी मुझे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई बहनों ने, और कुछ ऐसे लोगों ने जो मुझे नहीं देखना चाहते थे इस मुकाम तक, उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं उनको देखकर ज़्यादा एनर्जी से भरी रहती थी कि हाँ, इनके लिए मुझे अब एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाना है मुझे उन्हें। सो ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन बहुत बार ये सब ख़त्म कर दिया गया। पहले एवरेस्ट जा चुके हैं उनसे भी कुछ चीज़ें आपको जानकारी मिली, उन्होंने कुछ आपको बताया? हाँ, अनीता कुंड दीदी ने मुझे काफ़ी कुछ बताया, और उन्होंने मेरी हेल्प भी करी, और बाकी अरुणिमा सिन्हा है जिनसे मुझे सबसे पहले इंस्पिरेशन मिली थी, जैसे कि उनके एक वीडियो देखकर ही मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में पता लगा था। एक्चुअली दिल्ली में मैं IMF में गई थी ट्रेनिंग करने, आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग करने थोड़े दिन के लिए, बस अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो दौर चला आपका क्लाइंबिंग का, इसमें मेरे ख्याल से 1 महीना आपको लगा पूरी क्लाइंबिंग में? मुझे 54 डेज लगे इसमें, 2 महीने ऑलमोस्ट उसमें लगे आपको। तो क्या दिक्कतें, परेशानियां आई रास्ते में? सबसे पहले तो सर, मैं इतनी छोटी होने के बाद अपने घर वालों से एकदम दूर और अकेली रह रही थी, इतनी हाइट के ऊपर रह रही थी, इतने प्रेशर को सहन कर रही थी, हर एक चीज़ का सामना अकेला करना पड़ रहा था।
तो ये सब चीज़ें मेरे लिए इजी नहीं था, लेकिन जो फैमिली थी वो मुझे वैसे इतना सपोर्ट कर देती थी कि मैं उनके लिए ही कुछ करना चाहती थी। मैं बस यही चाहती थी मैं मेरी मम्मी के गले लग जाऊँ वापसी आकर, उनको रुलाऊँ मत, उनको उम्मीदों पे पानी ना फेरूँ बिल्कुल भी। इन बिटवीन आपकी परिवार से बात भी होती रहती थी? हाँ, मेरी बीच बीच में बात होती रहती थी। तो किस तरह की बातें होती थी उस वक्त? उस टाइम हमारी बात यही होती थी, वो पूछते थे बेटा अगर सुबह होते थे तो ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, और उसके बाद मैं पूछती थी घर में सब कैसे है, उसके बाद वो बोलते थे क्या लगता है क्या होगा आगे, आगे जो होगा वो सब अच्छा होगा, भगवान अच्छा करेगा सब। जब आपने एवरेस्ट फतेह किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके लिए एक संदेश दिया, बिल्कुल, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, उस वक्त कैसा फील हुआ आपको? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी, बाकी जितने भी सब देश के लोग हैं उन सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी इस उपलब्धि को बहुत सम्मानित किया, और इसके साथ साथ मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने कुछ किया वैसे हमारे देश की बेटियाँ भी करें। और मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ शायद मैं किसी के लिए मिसाल बन गई हूँ। एक्चुअली मैं एकदम वेदर चेंजिंग से आई हूँ, तो मेरी सिर्फ गला इंटरनल बिल्कुल बिल्कुल खेप की खेप, बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस चीज ने मेरा स्वागत किया उन सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। अगला एजेंडा क्या रहेगा? ये तो आपने फतह कर लिया एवरेस्ट को, भी एवरेस्ट फतह किया, एक टारगेट पूरा कर चुकी हूँ मैं, जो मुझे कई जो मुझे सब लोगों ने दिया, जो मेरा टारगेट था, अभी मैं अपना नेक्स्ट टारगेट बनाऊंगी, नेक्स्ट टारगेट बहुत जल्दी सोचूंगी और मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, अभी मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा है सर। और अभी एक बार थोड़ा मैं फैमिली को टाइम दूंगी। कितने घंटे प्रैक्टिस रहती थी? 6 घंटा दिन में प्रैक्टिस रहती थी, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, और दिन में मैं सिर्फ रेस्ट करती थी, रात में 1-2 घंटा स्टडी कर सो जाती थी। तो क्या लगता था कि पहली बार में आप एवरेस्ट चढ़ पाएंगी या शुरू से था? बिल्कुल लगता था, जब मैंने अपना वज़न जिस दिन मैंने 3 दिन में अपना 1 किलो वज़न तोड़ा था, जब मुझे पता लगा कि 3 दिन में मैं 1 किलो वज़न तोड़ चुकी हूँ, उस दिन मुझे लगा था कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था सर्दियों के दिन में ऐसा करना। किसने दिया था आपको कि वज़न कम करोगे तभी चढ़ पाओगे ऊपर? ऐसा होता नहीं है वैसे बेसिकली कि आप वज़न कम होना चाहिए आपका, लेकिन एक्चुअली फिट होना चाहिए ना इंसान को, मैं सिर्फ अपने आप को फिट करना चाहती थी, वज़न तो बीच में अपने आप टूट रहा था, तो मेन मकसद था कि अपने आप को फिट करना, अपनी एक ऐसी बॉडी को शेप देना जिससे मुझे परेशानी ना हो। किसी मुकाम पे ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा आपको? बिल्कुल, हाइट काफ़ी है, काफ़ी लोग ऑक्सीजन की मैंने कैंप 2 के बाद से ऑक्सीजन लगाना स्टार्ट किया था, 6 दिन में सिर्फ ऑक्सीजन, लाइक जैसे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में रहते हैं वैसे वहाँ पर ऑक्सीजन में रहते हैं, तो उसके ऊपर रही मैं, हमें खाने को नहीं मिलता, हम सिर्फ ऑक्सीजन खाते हैं वही पीते हैं। बीच में की वार्निंग भी शुरू हुई थी कि तूफान आ सकता है, शायद आपको भी वहाँ मैसेज गया होगा कि कोई तूफान आ सकता है। नेपाल में इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा था, हम लोग बेस कैंप पे थे तब लोग, हम सब लोग, और जैसे ही हमें इस चीज़ की खबर मिली रात को बहुत आंधी तूफान आए, हम लोग अपने टेंट में थे, बैठे थे, पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि आंधी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो टेंट ही हमें लग रहा था कहीं उखड़ ना जाए, तो हम सब लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, हमने सबसे प्रार्थना करी कि बिल्कुल भगवान से हमने बहुत दुआएं मांगी, उसी टाइम वो हवाएं रुक गई, तूफान से आप लड़के अपने जीत हासिल कर ली। बिल्कुल, और जब हम कैंप 3 की तरफ जा रहे थे तब हमने मेन तूफान का सामना किया, हम लोग रास्ते में बिल्कुल ऐसे इस पे चढ़ रहे हैं, उसके बाद जो तो वो तूफान आया 6 लोगों को उसने नीचे गिरा दिया इतना तेज का, क्योंकि वो तूफान में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को किसी तरह बचा के हम लोग उस दिन भी कैंप 3 पहुँचे थे, तो वो मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।